जी, पहले का आंसर क्या है? जल्दी जल्दी बात। और 125 उनका 120 नहीं पता। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 अस्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। क्वेश्चन ये है, आपको थ्री डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है यूजिंग फर्स्ट 5 डिजिट्स, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड। तो पहले वाले के लिए कितना ऑप्शन भाई? 5। दूसरे वाले के लिए कितना? 5। नाइस, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 5। और तीसरे के लिए कितना? टोटल नंबर्स कितने? टोटल नंबर्स कितने? 125। यस। चलिए, अब हमारे पास क्या है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कहाँ पे फर्क आएगा? फर्स्ट के लिए कितना ऑप्शन? 5। दूसरे के लिए? 4। तीसरे के लिए? 3। कितने हो गए? 60। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन, how many three digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated? Again jo question hai wo three digit ke liye hai, but yahan pe jo digits available hai wo 6 hai. Aap se kya keh raha hai, digits can be repeated, but yahan shayad condition hai, aapko kya karna hai, aapko even number banana hai. Kaise numbers banane? Even numbers. अगर इवन नंबर्स बनाने हैं तो एंड जो होना चाहिए 2 4 6 से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? तो आपको आपको लास्ट वाले नंबर से स्टार्ट करना है, क्योंकि लास्ट डिजिट के लिए कंडीशन है। तो लास्ट के लिए सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। अब क्वेश्चन में क्या था कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो जो लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा वो अभी आप यूज कर सकते हो। अगर यूज कर सकते हो तो बीच वाले के लिए ऑल 6 ऑप्शन, अगेन 6 ऑप्शन। तो 36 × 3 कितना हुआ जी? 108। वेरी गुड। दो तीन ही बच्चे बोल रहे हैं भाई, अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या होगा। आपसे कह रहा है, हाउ मेनी फोर लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। 5040। आपके पास क्या है, आपके पास इस बार फोर लेटर कोड बनाना है। इसका मतलब आपको फोर पोजिशंस को फिल करना है यूजिंग 10 अल्फाबेट्स। अगर 10 अल्फाबेट्स करने हैं, बट यहाँ क्वेश्चन क्या, दो चीजें हैं, एक तो 10 लेटर्स यूज करने, दूसरा नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो कोई से भी स्टार्ट कर लीजिए, लास्ट वाले से या पहले वाले से। तो पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन? 10। दूसरे के लिए कितने ऑप्शन? 9। बिकॉज़ नो रिपीटेशन। गुड, 8 × 7 तो 9 8 का कितना होता है 10, तो हम कर ही देंगे 72 × 7। 5040 × 0 तो आ जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 4, सर मैं नाम लेता हूँ, ये तो सारे बच्चे नहीं बोल रहे, बाकी कहाँ है सर? आसिफ जी सर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, आंसर दो बोर्ड का। हाउ मेनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर start with 67 and no digit appears more than once. पहले कर चुके हैं। How many five digit telephone numbers? तो हमारे पास जो है five digit telephone numbers है। 1 2 3 4 5 digit आपको fill करने। आपसे क्या कह रहा है? Using the digits 0 to 9। आपको 0 to 9 लेने हैं। तो 0 to 9 का मतलब कितने digits हैं हमारे पास? 10। 0 to 9 का मतलब है सारे डिजिट्स अवेलेबल हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल आर अवेलेबल, यानी कि 10 के 10। इन्हीं 10 डिजिट्स की वजह से जो हमारा नंबर सिस्टम है उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल मतलब 10 नंबर्स यूज हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, आपसे कह रहा था इफ द ईच नंबर स्टार्ट विद 67, हमारा नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए, एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपका स्टार्टिंग जो है यहाँ से करना है। तो पहले वाले के लिए कौन ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है? ओनली 1। 1 क्योंकि 6 आना है। के लिए भी 1 है। अच्छा, दूसरे वाले के लिए कितने ऑप्शन है?
सेवन आना है तो बस टू होगा. तीसरे वाले के लिए कितने ऑप्शन है? ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपने सिक्स को यूज कर लिया है, सेवन को यूज कर लिया है, तो आउट ऑफ टेन दो यूज हो गए, अब बचे एट. फिर नेक्स्ट वाले के लिए सेवन, नेक्स्ट वाले के लिए सिक्स, कितना हो गया जी? 336. मुबारक हो. यस, क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, या ये कौन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा? जो जिससे पूछा जाए वो बताएगा. मोहम्मद साकिब, साकिब साहब हैं? साकिब साहब क्लास में हैं? यस सर. बताइए, एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं? हमने कहा था एक टास्क होता है, एक सब टास्क होता है, तो आप क्या कर रहे हो? कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो कितने कॉइन को टॉस कर रहे हो? है जी, कितने कॉइन को टॉस कर रहे हो? थ्री कॉइन को टॉस कर रहे हो. यस, एक कॉइन को टॉस करें थ्री टाइम्स सर, एक कॉइन को टॉस करें. अरे तो एक कॉइन को थ्री टाइम्स करो या थ्री कॉइंस को एक टाइम करो? कॉइंस को तीन ही इन्वॉल्व हुए ना, थ्री टाइम्स हुआ. पहले टाइम के, फर्स्ट टाइम के कितने रिजल्ट्स होंगे? टू. दूसरे बार जब उछालोगे तब कितने रिजल्ट आएंगे, इंडिविजुअल रिजल्ट्स? टू. लास्ट टाइम जब उछालोगे तब कितने रिजल्ट आएंगे? टू. टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम्स क्या करते हैं इसको, इंडिविजुअल रिजल्ट्स को? इंडिविजुअल रिजल्ट्स को क्या करते हैं? अभी तक तो मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, चुप हो जाते हो एक सेकंड के अंदर. टू टू जा फोर टू जा एट. तो अगर आप थ्री कॉइन्स को टॉस करेंगे तो टोटल रिजल्ट्स विल बी एट. क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा सा नया है क्योंकि हमने इस तरह का किया नहीं है, बहुत इजी. कौन बताएगा उसे 10 रुपए मिलेंगे, जल्दी बताओ फटाफट. इजी क्वेश्चन है बहुत, बताएगा जो उसे 10 रुपए मिलेंगे. Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? Simple sir. कितने use करने, कितने available, ये answer है बस. देखो मैं बच्चे ने answer भी दे दिया, माशाल्लाह. हमारे पास क्या है, हमारे पास flag है और 2 color का flag आपको form करना है. ठीक है, तो इसका मतलब आपको 2 option को fill करना है, पहला option दूसरा option. अब आप ये देखो कि options हैं कितने available. आपसे कह रहा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो मान लो आपके पास अलग अलग कलर के थे, रेड था आपके पास, येलो था आपके पास, ब्लैक था आपके पास, ग्रीन था आपके पास, ब्लू था आपके पास, तो आपको 2 कलर का फ्लैग बनाना है. तो इसका मतलब पहले के लिए कितने ऑप्शन है जी, कौन सा कलर रखो? 5. वेरी गुड. दूसरे के लिए कितने ऑप्शन बचे जी? 4. यहाँ अपने आप सोचना है कि रिपीटेशन है या नहीं है. अगर आपने रिपीट कर दिया, ऊपर ब्लू लिया नीचे भी ब्लू ले लिया, तब ये डबल कलर फ्लैग कहलाएगा, सिंगल कलर कहलाएगा? सिंगल कलर हो जाएगा ना. तो यहाँ पे अपने आप सोचना है कि भाई रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, तो 4. तो टोटल कितने हमारे फ्लैग्स बनेंगे? 20. टोटल कितने बनेंगे? 20. अब इसी में क्वेश्चन सुनो, अगर 3 कलर्स हो और नो कलर इज रिपीटेशन, इन रिपीटेशन जिसे कहना चाहिए, तो कितने फ्लैग्स बनेंगे विदाउट रिपीटेशन? अगर 3 कलर का फ्लैग, मतलब 3 25 विदाउट लगानी, हमें 3 पट्टी लगानी एक तरह से ही समझिए, तो विदाउट रिपीटेशन, विदाउट जिसे कहना चाहिए रिपीटेशन, हमारे पास कितने कलर हो जाएंगे फ्लैग्स? 5 × 4 × 3 मुझे क्या करना है, मुझे 3 स्ट्रिप का फ्लैग बनाना है. ध्यान से सुन लीजिए, 3 स्ट्रिप्स फ्लैग मुझे फॉर्म करना है और यूजिंग 5 डिफरेंट कलर. ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिए. No two adjacent color are same. कौन आंसर दे?
ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है. Three strip flags using five different colors. No two adjacent colors are same. कौन बच्चा आंसर देगा? मैंने बताया करो ना, गलत सही तो बाद में सोचेंगे, शर्माने लगते हो. पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन? क्वेश्चन को ब्रेक करो, डरा मत करो. आपके पास फाइव डिफरेंट कलर्स हैं. क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया बट स्टार्ट तो करोगे ना पहले के लिए. हाँ, तुम्हारे हिसाब से 58 पता नहीं कौन से आएगा. 58 किसी से प्रोडक्ट से आ सकता है सर? 58 रुक जाओ. पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन है? 5. दूसरे वाले के लिए कितने ऑप्शन है? 3. क्यों है? तो वो भी हो गया ना सर, नीचे भी. आपने 3 क्यों कहा? हमारे पास 5 कलर है. रेड है हमारे पास, येलो है हमारे पास, ब्लैक है हमारे पास ग्रीन है हमारे पास, और हमारे पास ब्लू है. और हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है नो टू एडजेसेंट कलर्स आर सेम. अगर यहाँ मैंने रेड ले लिया है, ठीक है जी, तो अब यहाँ मैं रेड नहीं ले सकता. तो इसके लिए कितने ऑप्शन? 4. तो यहाँ सपोज करो मैंने ब्लैक ले लिया, ठीक है जी. अब इसके लिए नीचे वाले के लिए कितने ऑप्शन? 3. बस यही तो क्वेश्चन में ट्विस्ट था सर जी. आपसे कह रहा है नो टू एडजेसेंट कलर्स आर सेम. अब नीचे वाले में ब्लैक को छोड़ के बाकी सारे आ सकते हैं. एडजेसेंट कलर की बात है तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा. एडजस्टमेंट बराबर के कलर, तो ऊपर ब्लैक है तो नीचे कुछ और हो सकता है. आगे सर समझ में? 5 × 4 × 4 80. यस, 58 तो किसी का प्रोडक्ट ही नहीं होता. तो अगर आप प्रोडक्ट करने लगो तो आपके पास 80 फ्लैग्स बने. 3 स्ट्रिप फ्लैग्स हैं, 3 कलर फ्लैग नहीं है, ध्यान रखना. 2 कलर का भी हो गया सपोज करो, मान लीजिए अगर यहाँ रेड ही आ जाए तो 2 कलर भी हो सकता है. तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, पता नहीं क्यों करते आप लोग. चलो जी, एक क्वेश्चन और बताओ मुझे जरा फटाफट. चलो एक क्वेश्चन, ये छोटा सा है, ऐसे ही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. कौन बताएगा इसको? हाँ जी, इसे कौन बताएगा? बता सकते हैं? हाँ सर, किसी को पता है क्या है ये? ना सर जी, रिपोर्ट Thank you.
सर हुआ क्या? देखो सर, मैंने आपसे फैक्टोरियल सिखाया था. फैक्टोरियल में सीधा सा एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपके पास 8 फैक्टोरियल है, आप 8 को बाहर लेंगे तो इनसाइड 7 फैक्टोरियल आ जाएगा. सर क्या आ रहा है? 60. अभी देखिए, हमारे पास इसमें क्या करना होता है, इसमें ये करना होता है कि सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है. तो सबसे छोटा फैक्टोरियल है 6. तो सबको 6 के इक्वल करना है. मतलब आप 6 को तो 6 ही रहने दीजिए, बट 7 को आप 7 × 6 कर दीजिए. और इस 8 को आप 8 करेंगे तो 7 आएगा, 7 करेंगे तो 6 आएगा. आप क्या ऐसे कर सकते हो? सब बच्चों को ये बात क्लियर है? नो सर. जी सर. क्यों? मुझे ये बताएंगे 8 फैक्टोरियल किसे कहते हैं? नो सर, कह दिया इतना बड़ा. जब क्लास करता हूँ तो उसके बाद रिवाइज करते हो. 8 फैक्टोरियल किसे कहते हैं बताएंगे आप? सर ये वाली क्लास छूट गई थी फैक्टोरियल वाली. तो सर साहब, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ. मेरे से असाइनमेंट ले लो, शीट ले लो. ये सारा जो बना रही है, जो लिखता हूँ, ये सारा सेव होता है अलहमदुल्ला. जब आप मिस हो जाए तभी ले लो. सर वो वाली क्लास की भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, इसकी पीडीएफ भेज दीजिए. इतनी मेहनत से जो आपको एक्स्ट्रा करा रहे हैं, वो तभी तो फायदा होगा जब आप रेगुलर करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. अब इसकी शीट देख लीजिएगा एक बार, और फिर नहीं हो तो पूछ लीजिए. जिन बच्चों ने क्लास करी थी उनको ये क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई फैक्टोरियल है, उसको आउट करोगे तो उससे एक कम रह जाएगा. ये पता है या नहीं पता सब बच्चों को? जी सर. मैंने आपसे कहा था. जी सर, तो इतने हल्के से आवाज आ रही है कि भाई अगर n फैक्टोरियल है, n को बाहर करेंगे तो उससे एक कम अंदर फैक्टोरियल रह जाएगा, और अगर n माइनस 1 को भी करेंगे तो n माइनस 2 रह जाएगा. ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है. फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो अगर 8 ले रहे हो तो फिर ये 1 तक जाएगा. ये जो है 1 तक जाएगा. इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. लेकिन अगर आप इसे 8 फैक्टोरियल कह रहे हो तो फिर इसको आप 7 फैक्टोरियल कहोगे. यस और नो भाई? 7 से लेके 1 तक को आप क्या कहोगे? 7 फैक्टोरियल. और 6 वाले को क्या कहोगे? 6 फैक्टोरियल. तो अगर आप 8 लिखना चाह रहे हो तो उसके साथ 7 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और अगर 7 को भी बाहर लेना चाह रहे हो तो उसके साथ 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो. ये बस ध्यान रखना. जो स्मॉलेस्ट होता है वहां तक एक्सपेंड करना होता है. तो स्मॉलेस्ट यहाँ 6 फैक्टोरियल था, तो अगर यहाँ पे हम 6 फैक्टोरियल एक तरह से कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 + 1/7, और इधर हमारे पास बचेगा x/56 × 6 फैक्टोरियल. तो इस 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. यस और नो? आपके पास आएगा 7 × 7 + 1 = 8 / 7 = x/56. तो 7 से ये आएगा 8, और 8 जाएगा 64. तो किसी बच्चे ने आंसर दिया था 64. किसने दिया था 64? किसी ने कहा था क्या भाई? ये सब मैंने कहा था. वाजी वाह, डॉक्टर साहब ने कहा था. सर डायलॉग. अरे वाह. हाँ भाई, क्लियर है ये वाली बात? नहीं है? चलो जी, अब यहां से आगे बढ़ते हैं. देखिए, चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चंस लेंगे. हमारे पास क्या है? हमारे पास बात हो रही है कॉम्बिनेशन की. कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में क्या फर्क है? सबसे पहले तो ये फर्क समझ लो. कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब है सिलेक्शन, ग्रुप. ठीक है. परमुटेशन का मतलब था सर जी, परमुटेशन का मतलब था सर अरेंजमेंट. हम ये कह रहे हैं कि सपोज करो हमारे पास ये 3 स्टूडेंट हैं ABC, और मैं आपसे कहूं भाई 2 बच्चे यहां हो, सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स. दो बच्चों को कॉल करना है. अब दो बच्चों को कॉल करना है, मुझे जवाब दो. अगर ए बी आ गए
ए पहले आया, बी बाद में आया, बी पहले आया, ए बाद में आया, तो दोनों सेम कहलाएंगे, अलग अलग कहलाएंगे, भाई ए बी अलग है, बी ए अलग है। जल्दी जल्दी बोलते चले जाओ जी सर। बात एक ही रहेगी, अलग अलग रहेगी। हमने कहा दो स्टूडेंट आ जाओ, है जी सेम रहेगी। अच्छा अलग अलग हो जाएगी, आसिफ पहले आ गए, साकिब बाद में आ गए, साकिब पहले आ गए, आसिफ बाद में आ गए, तो पहले वाले स्टूडेंट दोनों अलग हैं, बाद वाले दोनों स्टूडेंट अलग हैं। क्वेश्चन मेरा है स्टूडेंट्स का मेयर। हाँ सर सेम रहेगी, अलग होगी तो सेम रहे। अरे जिन्होंने ना किया था उनसे पूछ रहा हूँ। वही पूछ रहा हूँ ना सर, आसिफ और साकिब आ रहे हैं और साकिब और आसिफ आ रहे हैं, तो वो दो ग्रुप का अलग का लोगों का है और वो दो ग्रुप अलग लोगों का है क्या? नहीं सर ग्रुप एक ही है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो सर अलग बन रहे, कॉम्बिनेशन अलग बन रहे? वही समझाने की कोशिश कर, ठीक है? अब सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं दो लोगों को सीट पे बिठाना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ? सीट पे बिठाना चाह रहा हूँ। दो चेयर है मेरे पास और उन दो चेयर में मुझे बिठाना है। अब मैंने ए बी को बिठाया ऐसे कि लेफ्ट वाली सीट पे ए को बिठा दिया, राइट वाली सीट पे बी को बिठा दिया, या फिर नहीं ऐसे करा, नहीं सर बी को लेफ्ट वाली सीट पे बिठाया और राइट वाली पे ए बिठाया, तो ये दोनों अलग अलग है या सेम है? सर सेम रहेगा। सेम रहेगा, क्लास में तो बहुत लड़ते हो, मुझे विंडो सीट चाहिए। सर कॉम्बिनेशन तो अलग है। क्लास में तो बहुत लड़ते हो ना, नहीं मैं तो अंदर वाली सीट पे नहीं बैठूंगा, मैं तो बाहर वाली सीट पे बैठूंगा। गाड़ी में भी बहुत लड़ते हो, विंडो सीट चाहिए। हवाई जहाज में तो हमारी एमपी साहिबा भी लड़ पड़ी थी कि मुझे विंडो सीट चाहिए। दोनों में फर्क समझ लीजिए। वहां मैंने कहा दो स्टूडेंट मेरे पास आओ, आई नीड ए ग्रुप, जस्ट कौन पहले आया मैटर नहीं कर रहा, वो दोनों बच्चे वही रहने। यहाँ मैंने खुद कहा है सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे पोजीशन मैटर कर रही है कि लेफ्ट वाली सीट पे कौन बैठेगा, राइट वाली सीट पे कौन बैठेगा, बस यही दोनों में डिफरेंस है। अगर किसी चीज की पोजीशन मैटर करती है तो वो है अरेंजमेंट, परम्यूटेशन। अगर सीट की वो मैटर नहीं करती है, ठीक है, तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन। तो समझ में आ गया? भी आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें और ज्यादा क्लियर होगा, टेंशन मत लो। जैसा मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे दो बच्चों को, एक को मॉनिटर और एक को वाइस मॉनिटर बनाना है, एक को कैप्टन और एक को वाइस कैप्टन बनाना है, अब यहाँ फर्क हो जाएगा। आपने ए को कैप्टन बनाया, बी को वाइस कैप्टन बनाया, या फिर बी को कैप्टन बनाया, ए को वाइस कैप्टन बनाया, अब फर्क है क्योंकि आपने उन दोनों के साथ पोजिशन एड कर दी। सर बात समझ में आ गई नहीं आई? जब आप ये कहोगे कि दो को, एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन बनाओ, देन इट इज ए परमुटेशन, इट इज ए अरेंजमेंट, आपने पोजीशन लगा दी। जब आप कह रहे हो नहीं दो स्टूडेंट खड़े होके बस ऐसे ही आ जाओ, मुझे तो थोड़ा सा बात करनी तुम लोग, अब आप ये नहीं कहना चाह रहे हो कि भाई तुम्हें कैप्टन बना रहा तुम्हें, तो फिर वो सिलेक्शन है। तो पहली चीज तो ये, तो यहाँ अगर आप देखोगे, अगर तीन लोगों में से दो का मैं अरेंजमेंट करूँ और तीन लोगों में से मैं दो को सिलेक्ट करूँ, तो दोनों में फर्क है बेटा जी। अगर मैं दो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ए बी कहूँ या बी ए कहूँ, ये एक ही लोग होंगे। ए सी कहूँ या सी ए कहूँ, ये एक ही लोग होंगे। बी सी कहूँ या सी बी कहूँ, ये एक ही ग्रुप होगा। तो इसका मतलब मैं सिर्फ तीन ही ग्रुप बना सकता हूँ, दो दो का, आउट ऑफ थ्री, ए बी, ए सी, बी सी। लेकिन अगर मैं अरेंजमेंट कहूँ कि भाई मुझे तीन लोगों में से दो को सीट पे बिठाना है, तो मैंने ए को इधर बिठाया, बी को इधर बिठाया, ये अलग है, बी ए अलग है, ए सी अलग है, सी ए अलग है, बी सी अलग है, सी बी अलग है, तो ये फर्क, ठीक है सर। अब होता क्या है, अब आप सिंपल सा एक फॉर्मूला सुन लीजिए। हमने एक फॉर्मूला किया था एनपीआर, बहुत ही सिंपल। एनपीआर होता है परमुटेशन के लिए, परमुटेशन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हम पास है। और ये होता है NCR, combination of R different objects out of N different objects, इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है, N factorial upon N minus R factorial यहाँ भी होगा into R factorial, सिर्फ इतना सा difference कि R factorial से आप divide कर दोगे। जैसे अगर हम इसी की बात करें, जिन बच्चों को ये पढ़ाया था उनको ज्यादा क्लियर होगा। जैसा मैं आपसे कहूँ कि मुझे दो का
ठीक है, अरेंजमेंट चाहिए। दो का अरेंजमेंट क्या होगा सर जी, 3p2, तो ये क्या होगा सर, 3 factorial upon 3 minus 2 factorial, तो नीचे तो 1 आ जाएगा, तो 1 factorial तो 1 ही होता है, 3 factorial क्या होगा भाई, 3 into 2 into 1, 6, तो arrangement of 2 out of 3 is 6 ways, जो अभी ऊपर हमने किया है, लेकिन अगर हमें selection of 2 लेना है, तो that is 3c2, तो 3 factorial upon 3 minus 2 factorial into 2 factorial, तो ऊपर आएगा सर 3 into 2 into 1, या 3 into 2 into 1 की करें, ये हमारे पास आ जाएगा 3 into 2 factorial और नीचे ये आएगा 1 factorial into 2 factorial, 2 से 2, 3 ways, तो ये है permutation और combination, simple, बस इतना सा है, formula ध्यान रख लीजिए, NCR for combination, NPR for permutation. थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? Yes, sir. जी सर। मैं आपसे कहूं मेरे पास 10 लोग हैं, और मुझे 3 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है सर? तो आपके पास बगैर किसी पोजीशन के, अभी मैंने मेंशन नहीं किया, तो आपके पास आंसर होगा सिंपल 10c3, लेकिन मैं आपसे कहूं कि मुझे एक टीम बनानी है, उसमें मुझे एक प्रेसिडेंट चाहिए, एक वाइस प्रेसिडेंट चाहिए और एक ट्रेजरर चाहिए, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन फॉर्म दिस कमेटी विद पोजीशन, तो आंसर होगा मेरा 10p3, बस इतनी सी बात है। सर क्लियर है क्या बात? आपने सिर्फ 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो 10c3, और अगर आपको टीम बनानी है तो उसमें पोजीशन बता दी आपने, तो 10p, ठीक है सर? तो कॉम्बिनेशन का एक ही सिंपल फॉर्मूला है, और एक सिंपल फॉर्मूला क्या है सर, NCR, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई हमारे पास 10 आदमी है इन ए रूम, देयर आर 10 पर्सन, ठीक है सर? इन हाउ मेनी वेज दे कैन हैंडशेक, हाँ जी सर, कितने डिफरेंट वेज में वो हैंडशेक कर सकेंगे, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, सर 10c2 जी, सर 45 10c2, आपके पास एक कमरे में 10 लोग हैं, टोटल हैंडशेक्स आपसे पूछ रहा है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि भाई 10 लोग तो हैं, हैंडशेक करने के लिए करना क्या पड़ेगा सर जी, आपको 2 का ग्रुप बनाना है, ए बी के साथ हैंडशेक करे या बी ए के साथ करे, वो एक ही बात होगी, तो ये एक हैंडशेक होगा, अब ए सी के साथ करेगा, ए डी के साथ करेगा, ए ई के साथ करेगा, तो इसका मतलब क्या करना है कि मुझे 10 में से 2-2 के ग्रुप ढूंढने हैं, कितने बनेंगे, तो आंसर है सिंपल 10c2, 10c2 क्या होगा सर, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, 10 को आप ओपन करो 10 इनटू 9 अप टू 8, तो नीचे से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 को ओपन कर दो 2 इनटू 1 95 जा 45 हैंडशेक्स होंगे अगर आपके पास 10 लोग हैं, सर समझ में आया क्या नहीं आया? यस सर, हां जी सर, ये क्वेश्चन आ चुका है एमबीए में, ठीक है,
देखो एक क्वेश्चन दे रहा है जरा बताओ इन दोनों के आंसर दो बताओ सर जरा अच्छा सर थैंक यू हाँ सर पहले वाले का आंसर तो जल्दी से हाउ मेनी कोर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल आपके पास सर्कल है और सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं सर्कल पे कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही था कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है एक लाइन पे पॉइंट्स नहीं है एक ही लाइन पे पॉइंट्स आते हैं अब आपसे कह रहा है कोड बताओ अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि दो पॉइंट्स को सर्किल पे अगर ज्वाइन कर देते हैं तो वो कोड बन जाता है तो आपसे कह रहा है कितने कोड बनेंगे 210 कैसे निकाला सर 189 फॉर्मूला बताओ क्या लिखा फॉर्मूला क्या लिखा 21C2 है जी 21C2 21C2 वेरी गुड आपको क्या करना है 21 ऑप्शंस अवेलेबल हैं दो को ढूंढना है बस तो दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यही आंसर था ए बी और बी ए कोड एक ही होगा ए सी सी ए कोड एक ही होगा तो 21C2 दैट्स इट तो यही आंसर था बस आप सॉल्व कर लीजिएगा ऊपर आएगा 21 फैक्टोरियल नीचे आएगा 21 - 19 एंड 2 21 को आप ब्रेक करोगे 21 × 20 19 आपका कैंसिल हो जाएगा से आप कैंसिल करोगे 10 तो 210 आपका आंसर आएगा वेरी गुड अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड वर्ड आ रहा है फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स 14 सिलेक्शन हाँ जी इन हाउ मेनी वेज Can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? तो यहाँ पे क्या करना है ध्यान से सीख लीजिए पहले आपको क्या करना है आपके पास 5 boys हैं जो available हैं पहले उनकी बात करें और आपके पास 4 girls हैं और आपको क्या करना है आपको 3 boys लेने पहले इसी पार्ट को बताओ ये एक टास्क हो गया 5 में से 3 बॉयज लेने क्या करोगे 5C3 वेरी गुड 5C3 इतना डरो मत शाबाश 4 गर्ल्स हैं 4 में से भी 3 गर्ल्स लेने 4C3 गुड 4C3 ध्यान रखना ये वाली टास्क अलग है ये वाली टास्क अलग है अब ये हो गया परमुटेशन के भाई कौन से ग्रुप को बॉयज वाले ग्रुप को कौन से गर्ल्स वाले ग्रुप के साथ आपको टीम बनानी है तो यहाँ इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5C3 × 4C3 जब भी दो सब टास्क को एक टास्क बनाओगे तो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 5C3 × 4C3 सॉल्व तो कर सकते हो हाँ जी सर ठीक है देखो एक क्वेश्चन और देखो ये आंसर दो दो फाइंड द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स
आंसर दो जी। सर 4000 भाई आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। आपके पास 6 रेड हैं, 5 व्हाइट हैं, 5 ब्लू हैं। इफ ईच कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स, आपको हर एक में से 3 बॉल निकालनी है, निकाल दीजिए। यहां से भी 3, यहां से भी 3, यहां से भी 3, तो आपके पास आएगा 6c3 5c3 5c3 इनटू कर दीजिए सब। 6c3 क्या होगा भाई, 6 6 minus 3 and 3. 5C3 क्या होगा? 5 into 3. 5 minus 3, 2 into 3. ये भी यही होगा. 5 into 2 into 3. Solve करो भाई. 6 को क्या करोगे आप? 6, 5, 4. 3 से 3 cancel. चलो लिख देते हैं. ये होगा 3, 2, 1. ये होगा 5 into 4. into 3. Next wala bhi yahi hoga. 5 into 4 into 3. 2 into 1 into 3. Ye cancel, ye cancel, ye cancel. 3 to the 6 cancel. 2 to the 4 cancel, 2 to the 4 cancel. Toh aapke paas aa gaya 20 into 10 into 10. Answer kitna aaya ji? Sir, sahi hai kya? क्वेश्चन और देखो जी, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करना ना डाउट होगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, एक या दो क्वेश्चन देखो। बताओ सर आंसर। Determine the number of 5 cards combination out of deck of 52 cards if there is exactly one as in each combination. अब यहाँ पे problem ये हो गई कि आपके पास एक condition है, आपको 52 में से अगर 5 लेने होते तो answer था 52C5। नहीं देख लीजिए, अगर आपको 52 में से 5 लेने होते तो answer था 52C5। लेकिन करना क्या है, इन 5 में condition है, आपको एक चाहिए इक्का और बाकी 4 कोई से भी हो। तो आपके पास 52 में से 48 अदर्स होते हैं और 4 एस होते हैं, तो आपको एग्जैक्टली 1 एस चाहिए, दूसरा भी नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इन 4 में से एक निकाल लीजिए अलग, और बाकी जो 4 चाहिए 48 में से चाहिए, तो ये आंसर होगा।
48C4 into 4C1। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है ना आप सब बच्चों को? ठीक है, तो कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास 48 अदर्स हैं, 4 कार्ड्स हमारे पास एस एस के होते हैं, क्या होते हैं, तो 4 में से एक आ जाए तो हमारा एग्जैक्टली एस का काम हो जाएगा, 48 अदर्स आ जाए। लास्ट वाला बताओ जरा मुझे, बताओ सर। In how many ways can one select a cricket team? In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl? If each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. जो भी हम कर रहे थे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, 17 प्लेयर्स अवेलेबल हैं और आपको 11 चूज करने हैं, तो आंसर था 17C11। लेकिन ऐसा नहीं है। इन हाउ मेनी वेज कैन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स व्हिच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल। तो आपके पास जो 17 प्लेयर्स हैं उसमें से सिर्फ 5 बॉलर हैं और 12 जो है वो अदर्स हैं। आपको जो 11 की टीम जो 11 सेलेक्ट करनी है उसमें आपको एग्जैक्टली 4 बॉलर्स चाहिए। ठीक है सर, आप तो खूब मैच देखते हैं तो आपको पता है कि भाई आज उस प्लेयर को नहीं खिलाया, आज उसको नहीं खिलाया, तो 4 बॉलर को खिलाना, एग्जैक्टली 4, पांचवा बॉलर चाहिए ही नहीं, लेने हैं लेकिन 11। तो अगर बॉलर 4 होंगे तो अदर्स कितने होंगे? अरे इतना जल्दी बोल दिया करो ना, टोटल जब 11 है तो अदर्स कितने होंगे? सर 7 होंगे नहीं होंगे? सर 11 लेने ना, 4 बॉलर ले लिए 5 में से, तो बाकी जो बचे बैट्समैन विकेट कीपर फील्डर उसमें से कितने लेने हैं? तो 12 में से लेने, 12 में से लेने हैं 7 और 5 में से लेने हैं 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17 में से 11 आ जाएंगे, लेकिन उसमें से 4 बॉलर्स होंगे और उसमें 7 अदर्स होंगे। भाई समझ में नहीं आ रहा क्या? ये तो बहुत सिंपल सी चीजें चल रही हैं। है जी डॉक्टर दानिया, बात नहीं बन रही क्या? नहीं सर, बन रही है। हाँ भाई नायला जी, डॉक्टर नायला समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, आ गया। क्या आ गया, क्या समझ में आता, क्या क्वेश्चन है नायला, क्वेश्चन क्या है? चाय पीने जाया करो तो मेरे लिए बना लिया करो, अकेले अकेले चाय पीने जाओ तो अच्छी बात नहीं है। हाँ भाई शिमरोज साहब, को समझ में आ रहा क्या? घूमा मत करो, मोबाइल ऑन करा और विजिबिलिटी यहाँ दिखाई और घूमते रहे सारे रूम में, कमरे में, इधर उधर, नहीं रहा। यस सर, समझ में आ रहा क्या कुछ? सर समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा सर। क्या है आप क्वेश्चन बता दो, बस क्वेश्चन क्या है सर? 11 प्लेयर्स की टीम चूज,
करनी है इसमें। आगे बोलो ना सर। 11 में सर 4 बॉलर्स होने चाहिए, तो बॉलर्स को हम 5 में से चूज करेंगे, बाकी रेस्ट को हम 12 में से चूज करेंगे। क्या बनेगा आंसर? सर 12C7 into 5C4। चलो ठीक है। अरे मेरे अल्लाह। चलो जी, जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसे 50 रुपीस मिलेगी। बताओ जी कौन? In how many ways can a student choose program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? बताइए कौन बताएगा इसको? बच्चा आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आपके पास 9 है और आपको 5 लेने हैं, तो आंसर था 9C5। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको स्पेसिफिकली ऐसे समझ लो कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, ठीक है, ये हमारे पास है, बिजनेस स्टडीज या कंप्यूटर्स, ये हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स ये हैं और इंग्लिश और हिंदी है। तो इंग्लिश हिंदी तो सबके लिए कंपलसरी है। आपको 11th में 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं मान लीजिए, तो इन 2 लैंग्वेज तो सबको लेनी है साहब, तो ये स्पेसिफिक हैं, तो इसका मतलब ये इनसे कोई नहीं बच सकता। तो 2C2 लेने थे आपको 5, तो अब कितने सब्जेक्ट और लेने हैं? 7 लेने कितने बेटे? 7C3 सर, 3 लेने। ऑप्शन बचे कितने? ऑप्शन 7 कोर्सेज हैं। ठीक है जी, तो 7 में से 3 लेने, तो 2C2 into 7C3, बस ये था मेरे पास। आ गया समझ में? तो ये था आपका छोटा छोटा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक बार कोशिश कर लीजिए थोड़ा सा। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार और देखो, जरा कोशिश कर लो कि अगर क्वेश्चंस निकाल लो आज बैठ के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, तो इंशाल्लाह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है जी।
कर लेंगे ट्राई।